आधुनिकीकरण के इस दौर में जब समझौते का विकल्प ढूंढा जा रहा है तो अदानी ग्रुप का प्रयास है कि ग्रीन माइनिंग के जरिए प्रकृति के साथ संतुलन की एक नई तस्वीर कैनवास पर खींचा जाए। सरगुजा का परसा कोल ब्लॉक, जहां रोजाना सैकड़ों टन कोयले का खनन जारी है, खनन का निर्बाध रूप से जारी रहना देश के विकास की सबसे बड़ी जरूरत है। यकीनन इस जरूरत की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। रोजाना सैकड़ों पेड़ कट रहे हैं। दरअसल प्राकृतिक रूप से तैयार जंगल के नीचे ही काले सोने यानी कोयले का विशाल भंडार है, जिसे प्रकृति ने विकास के दोहन के लिए छोड़ रखा है। ऊर्जा की प्रतिपूर्ति के लिए खनन की जरूरत के बीच प्रकृति के साथ संतुलन बनाने के लिए दुनिया भर में शोध चल रहे हैं। इस बीच अडानी ग्रुप की ग्रीन माइनिंग की कवायद ने एक नई दिशा दिखाई है। खनन के बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू की गई ये पहल अब नतीजे दे रही है। अडानी ग्रुप ने सरगुजा में ग्रीन माइनिंग के अपने मजबूत इरादे के बूते नर्सरी डेवलपमेंट की रणनीति पर काम शुरू किया है। इन नर्सरियों में अब तक अलग अलग स्पीशीज के 7 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। इन पौधों को प्रभावित गांवों में लगाया जा रहा है। पौधे तेजी से बड़े वृक्ष का आकार ले रहे हैं। अडानी ग्रुप ने हॉर्टिकल्चर के माध्यम से साल, नीम, साजा, महुआ जैसे 20 अलग अलग प्रकारों के वृक्षों का जंगल तैयार किया है। नर्सरी में नए पौधों के अलावा अडानी ग्रुप ने खनन प्रभावित जंगलों में ट्रांसप्लांटर मशीनों के जरिए रीप्लांटेशन की प्रक्रिया से वृक्षों को बचाने की पहल की है। इस कवायद में स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता ने उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया है। सरगुजा में शुरू हुई नई पहल पर्यावरण के क्षेत्र में नई पहचान कायम कर रही है। स्थानीय ग्रामीण भी नर्सरी डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे बताते हैं कि मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि जिस तेजी से जंगल के पेड़ कट रहे हैं, उतनी ही तेजी से नए पेड़ तैयार किए जा रहे हैं, जिससे स्वच्छ हवा बह रही है। हमारी टीम मजबूत है और हम लोग पूरे ताकत से, पूरे जोश के साथ प्लांटेशन को अंजाम देते हैं, उसको करते हैं। और अभी हमारी नर्सरी और अगले साल और ज़्यादा डेवलप करने की तैयारी चल रही है। और इस सारे काम को लेकर के हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे यहाँ जो बड़े ऑफिसर हैं, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं और लोग हैं, उनका भरपूर सपोर्ट है हम लोगों के साथ। सो हम लोग शुरू से ही इसमें हम लोग का लगन है काम करने का, उसको हम लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जिस तरह से हम लोग का वातावरण, जिस तरह से अभी लकड़ी कटाई हो रहा है, उस तरह से हम लोग पेड़ पौधे को लगा रहे हैं कि गांव में प्रदूषित वातावरण स्वच्छ रहे। अडानी ग्रुप ने साल 2012 से अब तक परसा कोल ब्लॉक के एक बड़े इलाके में 7 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। ग्रुप के साथ काम कर रहे राजकुमार पांडे बताते हैं कि खनन प्रभावित जंगलों में बड़े पेड़ों को ट्रांसप्लांटर मशीन से शिफ्ट करने से उन पेड़ों की उम्र बढ़ गई है। ऐसे करीब 10,000 पेड़ों का प्लांटेशन किया गया है। सकारात्मक पहल का ही असर है कि इस इलाके ने हरियाली की अपनी पहचान खत्म नहीं की है। ये पूरा इलाका अब भी हरा भरा बना हुआ है। जो जंगल में जो पेड़ हमें 15 से 16 साल के एज के पेड़ जो होते हैं, उसको हमारे पास ट्रांसप्लांटर मशीन द्वारा हम लोग उठा के और जंगल में उस 15-20 साल के किसी भी पेड़ की लाइफ को एक सेव करके हम लोग लगा देते हैं अपने लोकेशन में। और उसमें उसका डेवलपमेंट भी 2012-13 से हम लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं पेड़। और 8,000 से प्लस ज़्यादा पेड़ हम लोग लगा चुके हैं उसमें। इसके अलावा इसी कड़ी में हम लोग प्लांटेशन जो नर्सरी में हमारे डेवलप हो रहा है पौधा, इस सब पौधों में 7 लाख से ज़्यादा पौधे हमारे हम लोग लगा चुके हैं 2012 से अब तक। मुमकिन था कि खनन के बाद परसा कोल ब्लॉक का पूरा इलाका एक बेजान और जड़ चुके जंगल की इबारत लिखता, लेकिन पेड़ों की मजबूत जड़ों की तरह अडानी ग्रुप का मजबूत इरादा ही रहा जिसने ग्रीन माइनिंग की अपनी कोशिशों को एक न केवल मकसद दिया बल्कि उसे साकार भी किया।